नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 27th of April 2022 के बारे में। 27 अप्रैल 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीजें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अचूक उपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में, जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बना सकते हैं। 27th of April 2022 बुधवार का दिन रहेगा, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन यहाँ पर जाने वाला है। देखिए, ये जो दिन रहेगा, इस दिन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप सभी को अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने मोरल को डाउन मत होने दीजिए, अपने आप को बिल्कुल नीचे मत गिरने दीजिएगा। मन में नकारात्मक थॉट तो आने ही नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो अच्छा खासा दिन अच्छा होते होते भी खराब हो जाएगा। डेफिनेटली आपको इस तरह का अनुभव महसूस होगा। ये जो दिन रहेगा, ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट जो सुबह का समय रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग समय रहेगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल रहेगा, जल्दबाजी में आप चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर गलती कर देंगे। तो इसीलिए सुबह सुबह आपको शांत रहने की कोशिश करनी है, रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है, और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप 2-3 बजे के बाद का समय क्रॉस करेंगे, वैसे वैसे दिन में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, वैसे वैसे दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा और आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर सामने होते हुए दिखाई देंगे। सुबह का जो समय रहेगा, उसमें आपका पारा जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, अग्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। बाद का जो समय रहेगा, उसमें आपका टेम्परामेंट भी कंट्रोल हो जाएगा और आप भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, इसके चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इस दिन में एक विशेष बात है, बहुत अद्भुत बात है, शुक्रदेव यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र और गुरु की युति यहाँ पर बनने वाली है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शुक्रदेव जब यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि कितना अच्छा संयोग बनेगा। गुरु शुक्र की युति आज के दिन में आपके लिए बन रही है और यहाँ से 1 महीने तक ये युति रहेगी। अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देखिएगा आराम से, आपको सारी क्वेरीज सारी परेशानियाँ आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आज का जो दिन रहेगा, फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देने वाला दिन रहेगा। शेयर मार्केट में आप सभी को बहुत सावधानी से अंदर एंटर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही चीज़ें शेयर मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी को पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी आज के दिन में रखनी है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। खासकर वो सभी लोग जो रिश्वत लेते हैं, उन्हें तो कहूँगा कि आज तो छोड़ ही दीजिएगा, नहीं तो पकड़ा जाएंगे, काम खराब हो जाएगा और अननेसेसरी उलझ जाएंगे अपनी लाइफ में। तो इन बातों का तो विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, किसी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। आज के दिन में आपको कोई इंटरव्यू अगर होता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा, इसके भी चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी डील साइन करने वाले हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी एंड अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। रिलेशनशिप में यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, स्पेशली सुबह सुबह के पार्ट में तो बहुत सावधानी यहाँ पर रखनी है, ताकि रिलेशनशिप खराब ना हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए और बहुत आराम से आप अपने रिश्तों को अच्छे से आगे ले जाने की कोशिश करें, नहीं तो वहाँ पर छोटी सी बात बड़ा मुद्दा बन जाएगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा और पूरा महीना खराब कर सकते हैं आप। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बट उम्मीद है कि शाम होते होते पैचअप भी हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानियां नहीं आएगी। इसके अलावा सेहत में यहाँ पर देखा जाए, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, आप तरोताज़ा रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बस हाई रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर काफ़ी उदासी रहेगी। सब कुछ होते हुए भी आप किसी न किसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे और मन थोड़ा सा आपका अशांत रहेगा, इसके चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है, ताकि आपको इस तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। ये जो समय रहेगा, ये आप सभी के लिए, देश और दुनिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अद्भुत समय रहने वाला है। देश और दुनिया में भी आधा दिन जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिन वाला दिन रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक को लेकर के बड़ा मुद्दा उठाया जा सकता है, इसके चांसेस यहाँ पर ज़रूर बनते हुए दिखाई देंगे।
इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर के भी काफ़ी सारी चर्चाएं की जा सकती है, इकोनॉमी को लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, महंगाई भी बढ़ सकती है, इसके भी चांसेस हैं। खाने की चीज़ों के दाम थोड़े से इंक्रीज होते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं आज के दिन में। उम्मीद करूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई ना बढ़े और कुछ गलत डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से ना लिए जाए। यहाँ पर राशियों के लिहाज से अगर देख लिया जाए तो राशियों में भी आप देखिए मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अल्फाबेट्स में यहाँ पर देख लिया जाए तो अल्फाबेट्स में ए, एच, वाई, टी, एस, पी, जी, एम, एन और आर, आप सभी के लिए दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देता है। नंबर्स में यहाँ पर बात कर लें तो नंबर एक, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर नौ के लिए दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अचूक उपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में। उससे पहले अगर आप सभी जयपुर से हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ आपके अपने शहर जयपुर में। उम्मीद करूँगा कि आपकी और हमारी मुलाकात यादगार रहेगी। अगर आज आप सभी का बर्थडे है, आप सभी की एनिवर्सरी है या फिर आप सभी के जीवन का कोई विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यही प्रार्थना करता हूँ कि दिन आपका शानदार जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर आज आपका जन्मदिन है तो ये जो आने वाला साल रहेगा पूरा, ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग ईयर रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला साल रहेगा और मेहनत के रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट मेहनत आपको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सारी चीज़ें साल में मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वैदिक उपाय के बारे में। आज के दिन आपको कौन सा वैदिक उपाय करना है जिससे कि दिन आपका अच्छा जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना रहे। देखिए वैदिक उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है, आज के दिन में अगर गाय को आप हरा चारा खिला पाएं तो वो ज़रूर खिलाइएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो सभी लोग जो गाय को हरा चारा नहीं खिला सकते वो सभी क्या करेंगे, उन सभी से कहूँगा कि आप सभी हल्दी का टीका आज के दिन ज़रूर लगाएं और खाने में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा, स्पेशली आटे में हल्दी मिला के रोटी बना के खाइएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। इसके अलावा आप सभी को क्या करना है, गणेश जी के मंदिर में अगर आज दर्शन कर पाएँ या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर पाएँ तो वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा रात को सोते समय अपने सिरहाने में राइट हैंड की तरफ एक तांबे का लोटा जल भर के रखें और अगले दिन उसे पेड़ में प्रवाहित कर दीजिएगा तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लाता हुआ दिखाई देगा। सुकून की नींद आने वाली है, अच्छा समय जाने वाला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको एंजल नंबर कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी आप नोट कर लीजिए फटाफट से। आज का जो एंजल नंबर रहेगा ये आपके लिए रहेगा 3094। बहुत अच्छा नंबर है, बहुत फायदेमंद नंबर है और ये नंबर आपके लिए डेफिनेटली कुछ नए परिवर्तन लाता हुआ जरूर नजर आएगा। इस नंबर को आपको रिकॉल करना है 3 से 4 बार ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो और आपकी परेशानियां खत्म हो जाए। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।